दोस्तों हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 80 वर्ष के हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के पूर्वज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव के थे। अमिताभ बच्चन की मां का नाम तेजी बच्चन था, वहीं इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था जो कि एक फेमस हिंदी कवि थे। जब इनका जन्म हुआ था तब इनका नाम इनकलाब था, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव के बाद इनका नाम अमिताभ कर दिया गया। जब ये छोटे थे तो एक इंजीनियर बनना चाहते थे और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने फिल्मों को ही अपना करियर बना लिया। अपने कॉलेज के दिनों में अमिताभ बच्चन एक अच्छे एथलीट थे और 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी इन्होंने जीत प्राप्त की थी। वर्ष 1971 में अपने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए इन्हें पहली बार फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। उसके बाद इन्होंने वर्ष 1984 में एक्टिंग से ब्रेक लिया और अपने दोस्त राजीव गांधी का समर्थन करने के लिए राजनीतिक में भी पैर आजमाया था। 3 सालों तक राजनीति करने के बाद इन्होंने राजनीतिक से भी इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि फिल्मों में अच्छे कामों के लिए वर्ष 2015 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम जया बच्चन है, जिनके साथ इन्होंने 3 जून 1973 को शादी रचा ली। वहीं इनका एक बेटा है जिनका नाम है अभिषेक बच्चन, वहीं इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है श्वेता बच्चन। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।